हेलो बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक पावर एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बेस्ड पर न्यूमेरिकल किए थे। आज के लेक्चर में बच्चों हम लोग एनसीईआरटी के जो अनसॉल्व क्वेश्चंस हैं वो जो इम्पोर्टेंट हैं वो हम आज सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, तो मैं अनसॉल्व क्वेश्चन आज हम लोग कर लेंगे। आप आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसमें एक्सरसाइज में पीछे दिए ही होंगे सारे के सारे क्वेश्चंस। ओके, आप उसे रिफर कर लेना, वैसे मैं आज करवा रहा हूँ आपको। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम लिखते हैं बच्चों जो अनसॉल्व है आपके, ठीक है, ताकि ये क्वेश्चंस बोर्ड में आ सकते हैं इसीलिए। तो पहला क्वेश्चन है, ओके चलो, टू लैंप्स वन रेटेड 100 वॉट एट 220 वोल्ट एंड अदर 60 वॉट एट 220 वोल्ट। ओके, आर कनेक्टेड इन पैरेलल, आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू इलेक्ट्रिक मेन सप्लाई, टू इलेक्ट्रिक मेन्स सप्लाई। व्हाट इज द करंट फ्रॉम द सप्लाई। ओके, ये हमारा क्वेश्चन है बच्चों। ओके, बहुत ही इजी है। ओके, हम लोग सॉल्व करते हैं। चलो तो बच्चों, सबसे पहले तो हमें करना क्या होगा, हमें सबसे पहले है ना सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना होगा। तो हमें कितने लैंप्स दिए हैं, दो लैंप दिए हैं, एक 100 वॉट का है, दूसरा 60 वॉट का है, और दोनों के दोनों किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है। तो मैं यहां पर पहले गिवन डेटा, ठीक है, चलो तो सर्किट डायग्राम हम ड्रॉ करेंगे, उसके बाद गिवन डेटा बनाएंगे। पहला दो लैंप हैं, पहले तो ये एक लैंप, ये दूसरा लैंप, ओके, दोनों के दोनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं, कितने वोल्ट, 220 वोल्ट सप्लाई के साथ। ठीक है, तो यहां पर मैं 220 वोल्ट सप्लाई ड्रॉ कर लेता हूं। ओके, ये प्लस ये माइनस, टू यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 220 वोल्ट। ओके, ये पहला बल्ब है, ये दूसरा बल्ब है, ये 220 वोल्ट सप्लाई है हमारा, ठीक है बच्चों। ओके, और ये पहला जो बल्ब है उसका रेटिंग है 100 वॉट। ओके, तो यहां पर लिख देंगे 100 वॉट 220 वोल्ट, 220 वोल्ट। यहां पर भी लिख देंगे 60 वॉट 220 वोल्ट। ठीक है बच्चों, तो हमें क्या करना है कि टोटल करंट कितना है वो फाइंड आउट करना है। व्हाट इज द करंट फ्रॉम दिस सप्लाई, मतलब कि इस बैटरी में से, इस सप्लाई में से कितना करंट फ्लो हो रहा है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो करंट इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, करंट इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ओके, तो बच्चों यहां पर हम लोग लिख देते हैं, पहले बल्ब के लिए पावर P1 कितना है बच्चों, 100 वॉट, तो 100 वॉट। ठीक है, दूसरे बल्ब का पावर रेटिंग कितना है, 60 वॉट, तो P2 इक्वल टू 60 वॉट। ओके, सप्लाई वोल्टेज कितना है, 220 वोल्ट, तो V इक्वल टू 220 वोल्ट। ठीक है बेटा, ओके, हमें क्या फाइंड आउट करना है, I फाइंड आउट करना है, तो I इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो बच्चों हमारे पास देखो पावर का रेटिंग है, हमारे पास वोल्टेज का रेटिंग है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला है P इक्वल टू VI, उससे हम I फाइंड आउट कर सकते हैं। चलो तो हम लोग फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, P इक्वल टू स्टेप वन, तो पहले बल्ब के लिए, पहले बल्ब में से कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो सपोज करो कि पहले बल्ब में से बच्चों I1 जितना करंट फ्लो हो रहा है, कितना, I1, दूसरे बल्ब में से कितना हो रहा है, I2, और टोटल करंट क्या है हमारा, I। ठीक है, तो I1 फाइंड आउट करना है और I2 फाइंड आउट करना है।
वोल्टेज सेम है बच्चों, ठीक है। तो देखना P1 इक्वल टू हमारा फॉर्मूला क्या है, V into I1। हमारा फॉर्मूला जनरली क्या है, P is equal to VI, बट वोल्टेज सेम है, करंट डिफरेंट है। तो क्या होगा बच्चों, P1 equals to VI1, सो I1 क्या हो जाएगा, I1 equals to P1 upon V। ओके, तो P1 कितना है बच्चों, 100 वॉट, अपॉन V कितना है, 220, 00 कैंसल, 10 upon 22। ओके, तो बच्चों कैलकुलेट करो क्या आएगा, 10 upon 22 करेंगे तो ये हो जाएगा 2 5 जा, ये हो जाएगा 11 2 जा, 2 2 कैंसल, 5 divided by 11 करना है, तो करते हैं क्या होता है, 5 divided by 11। ओके, तो यहाँ 0 कर देंगे तो यहाँ 0। ओके, 11 4 जा 44, ये हो जाएगा 6, ठीक है, 10 एक और ऐड करते हैं, 11 5 जा 55। ओके, ये हो जाएगा 5, एक और 0 ऐड करते हैं, 11 4 जा, तो 0.454 होगा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आया, 0.454, मैं डायरेक्टली लिख देता हूं यहां पर 0.454, तो ये हमें I1 मिल गया, तो I1 equals to 0.454 क्या होगा, करंट का यूनिट एम्पियर, तो मैंने यहां पर लिख दिया एम्पियर, ठीक है। चलो, तो I1 मुझे मिल गया है, वैसे सेम प्रोसेस से हम लोग I2 भी फाइंड आउट कर लेंगे। तो P2 equals to क्या होगा बच्चों, VI2, so I2 equals to क्या हो जाएगा, P2 upon V, so P2 क्या है बच्चों, 60 वॉट upon 220, तो 60 upon 220, 00 cancel, okay, 00 cancel हो जाएगा, so ये क्या हो जाएगा, 3 upon 11, 3 2 जा 11 2 जा, तो 3 upon 11 करो बच्चों, क्या आता है, करो कैलकुलेट करो, चलो कर लेते हैं, तो ये 3 divided by 11, तो यहाँ 0 रखना पड़ेगा और यहाँ पर 0 पॉइंट करना पड़ेगा, 11 2 जा 22, 8 आया, ठीक है, 10 ऐड किया, यहाँ पर भी 0 उतार लिया, 11 7 जा 77, 3 0 0 2 जा, 0.272, ओके, कितना आ रहा है, 0.272, तो हम लोग इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 0.273, क्योंकि नेक्स्ट डिजिट जो होगा वो 7 होगा, तो वो 5 से बड़ा है, तो हम लोग एक डिजिट बढ़ा देंगे, सो I2 इज इक्वल टू 0.273 एम्पियर, ठीक है बच्चों। सो हमें I1 भी मिल गया, हमें I2 भी मिल गया, तो स्टेप 2 क्या होगा, स्टेप 1 में हमने I1 एंड I2 फाइंड आउट कर लिया, ठीक है, चलो, तो स्टेप 2, टोटल करंट I equals to I1 plus I2, क्यों ऐसा किया बच्चों, क्योंकि देखो I1 पहले बल्ब में से फ्लो हो रहा है, I2 दूसरे बल्ब में से फ्लो हो रहा है, दोनों को ऐड करेंगे तो हमें टोटल करंट I मिल जाएगा, क्योंकि I यहां से ही तो डिस्ट्रीब्यूट हुआ, I1 एंड I2 में डिवाइड हो गया, मतलब कि डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो I1 plus I2 करेंगे हम लोग, तो क्या मिल जाएगा हमें, टोटल करंट I, तो कितना होगा, 0.454 प्लस 0.273, करो बच्चों कितना आता है, करो फटाफट से, ओके, ये आएगा ऑलमोस्ट 0.73 एम्पियर, ओके, आप कैलकुलेट करना, I equals to 0.73 एम्पियर इज द राइट आंसर, ओके बच्चों, ये आपको समझ में आ गया होगा, ओके, हाँ, अपना आंसर आ चुका है, ठीक है बच्चों, ये कॉपी कर लो आप, तो बच्चों अभी 2 क्वेश्चंस और करेंगे हम लोग, ठीक है, तो विच यूज मोर एनर्जी, अ 250 वॉट टीवी सेट इन 1 आवर और 1200 वॉट टोस्टर इन 10 मिनट्स। देखो हमें, हमारे पास बच्चों एक टीवी सेट है और एक टोस्टर है, ठीक है, जो टीवी सेट है उसका पावर रेटिंग 250 वॉट है और वो 1 आवर के लिए चल रहा है, ठीक है, और 1200 वॉट का हमारे पास टोस्टर है जो 10 मिनट्स के लिए चल रहा है, तो कौन सबसे ज्यादा एनर्जी यूज कर रहा है, ओके, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो बच्चों हम कैसे करें, चलो
तो बच्चों यहां पर मैं दो पार्ट्स कर देता हूं, ठीक है, एक तो टोस्टर के लिए और एक टीवी सेट के लिए। तो मैं यहां पर लिख दूंगा सॉल्यूशन, हमारा सॉल्यूशन क्या होगा, यहां है टीवी सेट, ठीक है, ध्यान रखना बच्चों, टीवी सेट, ओके, और यहां पर है हमारा टोस्टर, ओके। ध्यान रखना बच्चों, चलो, तो टोस्टर है और हमारे पास टीवी सेट है, ओके बच्चों। तो हमें करना क्या है देखना, तो बच्चों हमारा जो टीवी सेट है वो कितने वॉट का है, 250 वॉट का, कितने टाइम तक चल रहा है, 1 आवर तक चल रहा है। तो मैं यहां पर लिखूंगा, देखना पावर कितना है, पावर है 250 वॉट, ठीक है, टाइम कितना ले रहा है, 1 आवर, 1 आवर, चलो 1 आवर, बट हम आवर को किस में कन्वर्ट कर देंगे बच्चों, सेकेंड्स में। तो 1 आवर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3600 सेकेंड, 60 मल्टीप्लाई बाय 60, बिकॉज 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, सो इट विल बी 3600 सेकेंड। तो हमें टाइम भी मिल गया। सेम यहां पर कितना पावर दिया है टोस्टर का, पावर रेटिंग क्या है, 1200 वॉट, ठीक है, और कितने टाइम के लिए चल रहा है, 10 मिनट्स के लिए। तो 10 मिनट्स की सेकंड कितनी होती है, 600, कैसे, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड, सो 10 मल्टीप्लाई बाय 60, दैट विल बी 600 सेकंड, ओके। तो कौन सबसे ज्यादा एनर्जी यूज कर रहा है, तो यहां पर हम लोग एनर्जी फाइंड आउट करते हैं। तो क्या आएगी, चलो एनर्जी इक्वल टू पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। सेम यहां पर एनर्जी इक्वल टू पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम, ओके। तो यहां पर पावर कितना है, 250 वॉट, टाइम कितना लग रहा है, 3600 सेकेंड। तो 25 मल्टीप्लाई बाय 3600, 250 मल्टीप्लाई बाय 3600 क्या होगा, तो ऑलमोस्ट 9 लाख होगा, क्या होगा, 9 लाख, ओके। अब मुझे बताओ इसका यूनिट क्या होगा, हमारा एनर्जी का यूनिट, बच्चों मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, ओके, एनर्जी का यूनिट होता है जूल, क्या होता है, जूल, ओके। चलो यहां पर पावर देख लेते हैं कितना होगा, 1200, पावर 1200 मल्टीप्लाई बाय 600, तो 12 6 72, 1 2 3 4, ओके, तो 720,000 जूल। तो मुझे बताओ किसकी एनर्जी सबसे ज्यादा है, तो आप देख पा रहे होंगे सबसे ज्यादा एनर्जी कौन कंज्यूम कर रहा है बच्चों, बताओ कौन कर रहा है सबसे ज्यादा, आप ही बताओ, ओके, टीवी सेट, क्योंकि 9 लाख जूल यूज कर रहा है, ठीक है, और 720,000, ओके, मतलब 720,000 जूल। तो बताओ कौन सबसे ज्यादा एनर्जी यूज कर रहा है, तो टीवी से। तो हमारा आंसर क्या आएगा बच्चों, टीवी सेट, ओके, ये हमारा आंसर, ठीक है बच्चों, टीवी सेट विल कंज्यूम मोर एनर्जी। सेकेंड क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से पढ़ो, एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ रेजिस्टेंस 8 ओम, एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ रेजिस्टेंस 8 ओम ड्रॉस 15 एम्पियर फ्रॉम सर्विस मेंस फॉर 2 आवर्स, ओके, फॉर 2 आवर्स, कैलकुलेट रेट एट विच हीट इज डेवलप इन द हीटर, ओके, रेट एट विच हीट इज डेवलप इन द हीटर, बहुत ही इजी है बच्चों। चलो पहले तो गिवन डेटा बनाते हैं हम लोग, गिवन डेटा, तो बच्चा हमारे पास क्या है, रेसिस्टेंस, एक इलेक्ट्रिक हीटर है, उसका रेसिस्टेंस कितना है, 8 ओम, कितना एम्पियर करंट ले रहा है सर्विस मेन से, मतलब कि सप्लाई से कितना करंट ले रहा है, I इक्वल टू कितना है, 15 एम्पियर फ्रॉम द सर्विस मेन, कितने टाइम के लिए ले रहा है, 2 आवर्स के लिए ले रहा है। कैलकुलेट रेट एट विच हीट इज डेवलप्ड इन द हीटर, बच्चों रेट ऑफ हीट डेवलप, ओके, कैलकुलेट द रेट एट विच हीट इज डेवलप्ड, ओके बच्चों, जब भी हमें रेट ऐसा कोई वर्ड आए कि रेट एट विच हीट इज डेवलप्ड,
अगर ये फाइंड आउट करना है, इसका मतलब कि हमें पावर फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? पावर। तो मैं बताता हूं कैसे। यहां पर लिखेंगे रेट, सॉरी यहां पर हम लोग लिखेंगे रेट ऑफ जनरेशन ऑफ हीट, रेट ऑफ जनरेशन ऑफ हीट इक्वल्स टू, बच्चों मैंने आपको हीट का एक फॉर्मूला लिखवाया था, ओके, एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। क्या लिखवाया था? आई स्क्वायर आर। आई कितना है? 15 स्क्वायर। आर कितना है? 8। 15 स्क्वायर कितना होता है? 225 मल्टीप्लाई बाई 8 करो, कितना आता है? 225 मल्टीप्लाई बाई 8 करो बच्चों, ओके कितना आता है? 225 मल्टीप्लाई बाई 8 इट विल बी 1800 वॉट। ओके ये हमारा आंसर, ठीक है। तो बच्चों इसे भी कॉपी कर लो, आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके बच्चों एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, ये भी आपके एनसीईआरटी का ही अनसॉल्व्ड है, ठीक है, तो ये भी हम लोग कर लेते हैं। चलो कंपेयर द पावर यूज इन द 2 ओम रेसिस्टर इन द 2 ओम रेसिस्टर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट। हमारे पास दो केस दिए गए हैं, हम दोनों केस के अकॉर्डिंगली सर्किट ड्रॉ करेंगे और दोनों का पावर कंपैरिजन करेंगे। कंपेयर द पावर यूज्ड इन 2 ओम रेसिस्टेंस, मतलब कि इस केस में भी 2 ओम रेसिस्टर है, यहां पर भी 2 ओम रेसिस्टर है, ओके दोनों में से कितना पावर फ्लो हो रहा है, कितना पावर कंज्यूम हो रहा है फाइंड आउट करेंगे और उनको कंपेयर करेंगे, ठीक है। चलो तो केस वन के लिए, ओके सबसे पहले केस वन में यहां पर लिख देता हूं सॉल्यूशन, केस वन। तो केस वन के लिए क्या है? अ 6 वोल्ट बैटरी इन सीरीज विथ 1 ओम एंड 2 ओम रेसिस्टर। ओके तो बच्चों कुछ इस तरीके से है, देखना ये पहला रेसिस्टर, ये दूसरा रेसिस्टर और उसके साथ 6 वोल्ट की एक बैटरी है। ओके तो यहां पर मैं लिख दूंगा बच्चों, क्या देखना ध्यान से, प्लस माइनस ये कितना है? 6 वोल्ट बैटरी, ठीक है, पहला रेसिस्टेंस कितना है? 1 ओम का, दूसरा कितना है? 2 ओम का रेसिस्टर है। मुझे क्या करना है? कंपेयर द पावर यूज्ड इन 2 ओम रेसिस्टर, मतलब 2 ओम में से कितना, 2 ओम की वजह से कितना पावर कंज्यूम हो रहा है वो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे? सिंपल है बच्चों, बहुत ही सिंपल, देखना। पहले तो मैं आर टोटल फाइंड आउट कर लेता हूं, तो आर कितना होगा? आर टोटल इक्वल्स टू आर वन प्लस आर टू, क्योंकि सीरीज कनेक्शन है, सो 1 + 2 इक्वल्स टू 3 ओम। आर टोटल कितना हो गया? 3 ओम हो गया। ओके तो मुझे करंट मिल जाएगा, मुझे करंट मिल जाएगा, तो I इक्वल टू क्या होगा? I इक्वल टू V अपॉन R टोटल। V कितना है? 6 वोल्ट अपॉन R कितना है? 3 ओम। तो करंट कितना है? I इक्वल टू 2 एम्पियर, तो I इक्वल टू 2 एम्पियर मिल गया। अगर मुझे 2 ओम में से पावर फाइंड आउट करना है तो पावर का फॉर्मूला है P इक्वल टू I स्क्वायर इंटू R, तो I कितना है? 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय R कितना है? I स्क्वायर R T, तो RT कितना है? 3, तो 4 मल्टीप्लाई बाय I स्क्वायर R। तो अच्छा R किस में से फाइंड आउट करना है? 2 ओम में से, तो यहां पर क्या लिखूंगा मैं? I स्क्वायर R, बट R की वैल्यू कितनी लेनी है? 2 ओम, तो यहां पर क्या होगा? 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये हो जाएगा 8 वॉट, ठीक है बच्चों। ओके तो इस केस के लिए हमें 8 वॉट मिल गया, क्योंकि हमें R की वैल्यू कितनी लेनी है? 2 ओम, क्यों? क्योंकि 2 ओम में से कितना फाइंड आउट, 2 ओम कितना कंज्यूम कर रहा है पावर वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलो ये हो गया केस 1 के लिए, हमारी कहानी खत्म। केस 2 देख लेते हैं, केस 2 क्या कहना चाह रहा है देखना। 4 वोल्ट बैटरी इज इन पैरेलल विद 12 एंड 2 ओम रेसिस्टर। चलो ये भी फाइंड आउट कर लेते हैं, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो दो पैरेलल रेसिस्टर है 12 ओम एंड 2 ओम, किससे कनेक्टेड है? 4 वोल्ट की बैटरी से, तो यहां पर 4 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट कर दी गई है, ठीक है। यहां पर मैं लिख देता हूं प्लस माइनस 4 वोल्ट,
ये है 12 ओम रेसिस्टर, ये है 2 ओम रेसिस्टर, ठीक है बेटा। तो ये भी मिल गया हमें। अब बच्चों मुझे एक बात बताओ, यहां पर हम ये कहानी नहीं करेंगे, करंट फाइंड आउट करेंगे। दोनों रेसिस्टर पैरेलल में है तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा हर एक के अक्रॉस में? 4 वोल्ट ही होगा, मतलब कि 2 ओम को भी कितने मिल रहे हैं? 4 वोल्ट। 12 ओम को भी कितने मिल रहे हैं? 4 वोल्ट, क्योंकि पैरेलल कनेक्शन है, ये मैंने आपको पढ़ाया है। तो बच्चों हमें क्या फाइंड आउट करना है? पावर फाइंड आउट करना है। तो पी इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, क्योंकि वी की वैल्यू तो सेम रहने वाली है, ठीक है। तो वी कितना है? 4 स्क्वायर अपॉन आर कितना है? 2 ओम। यहां पर भी हमें 2 ओम रेजिस्टर में से ही कितना पावर कंज्यूम हो रहा है इस केस के लिए वो फाइंड आउट करना है। तो 4 स्क्वायर कितना होगा? 16 अपॉन 2, दैट विल बी 8 वॉट, ठीक है। तो देखो बच्चों, सपोज मैं इसे P1 मान लूं, ठीक है, अगर मैं इसे P1 मान लूं और इसे P2 मान लूं, तो दोनों को अगर कंपेयर करें, ओके, तो केस यहां पर नया स्टेप, P1 अपॉन P2 इक्वल टू क्या होगा? 8 अपॉन 8, दैट विल बी 1। सो P1 अपॉन P2 इक्वल टू हम कह सकते हैं 1, मतलब P1 इक्वल टू P2 भी तो कह सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा इनका कंपैरिजन, ठीक है बच्चों। तो बच्चों आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगर कोई भी डाउट आ रहा है तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। आप इसे लिख भी लेना बच्चों, या तो मैं स्क्रीनशॉट भी शेयर कर दूंगा, डोंट वरी।